आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिसेबिलिटीज होती क्या है। डिसेबिलिटीज होती हैं जैसे आपके शरीर में कोई एक कमजोरी या फिर कोई एक ऑर्गन जो अच्छी तरह फंक्शन ना कर रहा हो, या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी जो आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने से अलग करती हो। सो आज का दिन हम कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है दैट इज़ ऑन 3rd of December, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन से, वो भी जनरल असेंबली जो इनकी सबसे बड़ा एक पार्ट है। कब से? सिंस 1992 से। सो ये क्यों मनाते हैं? ये डे प्रमोट करता है राइट के लिए, वेल बीइंग के लिए, किसके लिए, जो पर्सन डिसेबल हो। सो हम जो डिसेबल पर्सन है उसकी हेल्प करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको सोसाइटी में एक इक्वल राइट्स देने के लिए हम ये डे मनाते हैं। टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लाइफ। सो इस साल का जो हमारा थीम है वो क्या है? फाइटिंग फॉर राइट्स इन द पोस्ट कोविड एरा। जो हम ये कोविड जो भी हमारा चल रहा है इसके इस पोस्ट एरा में अब डिसेबल पर्सन्स को क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस साल ये थीम हमने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द चैलेंजेस, बैरियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल जो डिसेबल हैं। सो मुझे लगता है आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, सो हमने इसको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।